हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टॉपिक है आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें से दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम से तीसरा वीडियो है एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये 20वां वीडियो है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के बनाए गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? इसको अनाक्सी श्वसन की क्रिया होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें, अवायवी श्वसन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि O2 की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है और इसके अंदर ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, ग्लूकोज को पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें से 2 ATP का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूविक अम्ल के 4 ATP का निर्माण होता है, बट 2 ATP जो है विभिन्न क्रियाओं में खर्च हो जाता है, बचता है 2 ATP। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP का निर्माण होता है, तो 2 ATP का। वही भी पूछेगा कि क्रेब्स चक्र यानी कि कोशिकी जो क्रेब्स चक्र होता है, वायवी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंतर्गत 36 ATP का निर्माण होता है। ये 2 जो पाइरूविक अम्ल बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, वे चले जाते हैं माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, कोशिकी श्वसन संपन्न होता है, वहां पे 36 ATP बनता है। इस प्रकार एक ग्लूकोज के जारण से 38 ATP का निर्माण होता है, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और 36 क्रेब्स चक्र में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकांड्रिया में, जहाँ पे वायवी श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने किया? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किया क्रेब्स ने, जिसे क्रेब्स चक्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अवायवी एवं वायवी श्वसन में कौन सा पद समान है? क्योंकि दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम पद में बिना ऑक्सीजन की क्रिया होती है और द्वितीय पद में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 पाइरूविक अम्ल बनता है। तो दोस्तों, यह वायवी एंड अवायवी दोनों श्वसन का काम करता है, जिसमें से आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है अवायवीय वायु श्वसन में जो है दोनों में समान पद है। जैसे कि क्रेब्स चक्र हो गया, उसमें वायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है, उसमें वायवीय श्वसन होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र में भी आपका वायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका में बिजली घर जहाँ प्रचुर मात्रा में कैटाबोलिक एंजाइम हो, क्या कहलाता है? तो माइटोकांड्रिया, जो कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा का गृह किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकांड्रिया को, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेटाबोलिक एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसको ऊर्जा गृह या बिजली घर या पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका अंगक जहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, उसको कहाँ पे होता है? माइटोकांड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकांड्रिया में। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र का महत्व होता है, क्रेब्स चक्र का महत्व होता है ऑक्सी कारक फास्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करना, ठीक है। ऑक्सी कारक फास्फोराइलेशन द्वारा किसका निर्माण करता है? एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वसन क्रिया कब संपन्न होती है? तो श्वसन क्रिया कब संपन्न होती है दोस्तों? तो यह शरीर की समस्त, यहाँ पे दिया है फेफड़ों की कोशिकाओं में, कि आहार नाल की कोशिकाओं में, कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में, कि शरीर की समस्त कोशिकाओं में। तो श्वसन क्रिया शरीर की समस्त कोशिकाओं में, माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन निर्भर करता है,
तो ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन किस पे निर्भर करता है? रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा घटने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, जबकि इसमें कैलोरी में आप कहेंगे तो 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट दोस्तों, श्वसन कैस्केड में बनते हैं, तो श्वसन कैस्केड में 6 एटीपी बनते हैं। श्वसन कैस्केड में कितने एटीपी बनते हैं? 6 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन द्वारा ही सभी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, 97% आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य की श्वास नाल में जब हवा नहीं होती है तो वह पिचकती नहीं है। जो श्वास नली ट्रेकिया होती है उसमें हवा नहीं भी होती है तो भी वह नहीं पिचकती है। क्यों? क्योंकि आप जब फिगर देखते हैं श्वास नली यानी ट्रेकिया की, तो उसमें एक गोल गोल छल्ला जैसा उसमें दिखाई देता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। इस कार्टिलेज के छल्लों के कारण वह पिचकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से बाहर आते समय रुधिर में इनके अंदर जाते रुधिर की तुलना में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पूछ क्या रहा है कि जब फेफड़ों से बाहर आते समय जो रुधिर होता है उसमें कौन सा चीज अधिक होता है, फेफड़ों से अंदर जब रुधिर आता है उसके तुलना में। तो दोस्तों, जैसे कि जब हृदय से जब पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है फेफड़ों में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है, फिर वहां से शुद्ध होकर के वो फेफड़ों से बाहर निकलता है, जिससे पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाय अलिंद में प्रवेश किया जाता है। तो फेफड़ों से जब बाहर आता है रुधिर तो वो शुद्ध होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब फेफड़ों के अंदर जाता है शुद्ध होने के लिए तो वो अशुद्ध रक्त होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसके कंपेरिजन में फेफड़ों से जब बाहर रुधिर आता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो निश्वसित क्या पूछा है यहाँ पे? निश्वसित यानी कि निश्वसित यानी इंस्पायरेशन में जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस समय किसकी मात्रा, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%। कितना होता है? 21%। जितना वायुमंडल में वायु होता है उतना ही हमारे परसेंटेज में जाता है अंदर। अगर ये पूछता कि निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी तो 16% हो जाएगा। यानी अंदर जाते समय इंस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन की मात्रा 21% एंड बाहर आते समय यानी एक्सपायरेशन के समय ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। जैसा कि दोस्तों, जो गैसें हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये इतना ही मात्रा में जो हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं, बट बाहर निकालते समय कितना होता है, जो नाइट्रोजन होता है बिना किसी उपयोग पे पूरा का पूरा वापस आ जाता है, यानी 78% जाता है, 78% पूरा वापस आ जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वह 21% जाता है और 16% वापस आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह 0.03% जाता है एंड 4.04% वापस आता है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन की श्वसन प्रक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो श्वसन प्रक्रिया है एंड जो पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? मेड्यूला में। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक अम्ल होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में बिना ऑक्सीजन के क्रिया होती है, श्वसन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। इसके फलस्वरूप एथिल एल्कोहल, CO2 और लैक्टिक एसिड तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें ग्लूकोज के एक अणु के जारण से दो पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है, जिसका अंतिम उत्पाद होता है पाइरूविक अम्ल।
क्वेश्चन है। कि लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन सी गैस स्थिर यौगिक बनाती है? तो कौन सी गैस बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है? CO2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? तो रुधिर में जो CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है, और यहाँ पे उसका रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3, बाइकार्बोनेट का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3 यानी बाइकार्बोनेट। यानी कि दोस्तों CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में घुलकर कार्बोमिनो एसिड के रूप में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है, प्लाज्मा में घुलकर 7%, प्लाज्मा में घुलकर 7% और 23% कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा लाल रुधिराणियों के मध्य कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है इन दोनों के बीच? क्लोराइड शिफ्ट प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बार सांस लेने में वायु की जो मात्रा बाहर निकलती है या भीतर ली जाती है वह कहलाती है प्रवाही आयतन। क्या कहलाती है? प्रवाही आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम। यानी कि जब एक बार हम साधारण रूप से सांस लेते हैं और अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, इसको प्रवाही वायु यानी कि टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो तो ऑक्सीजन वक्र किधर झुकेगा? तो दोस्तों, जब रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो तो वह ऑक्सीजन वक्र जो है दाई ओर झुकेगा। वहीं भी कहेगा कि यदि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो तो ऑक्सीजन वक्र किधर झुकेगा? बाई ओर। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रुधिर का सारा हीमोग्लोबिन फेफड़ों से बाहर जाते समय ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऊतकों में पहुंचकर यह ऑक्सीजन छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है दोस्तों? जैसे कि हम गैसीय हवाओं का जो उसकी नियम है कि गैसीय और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक और ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। तो जहां पे सांद्रता यानी दबाव कम होगा वहां पे जाएगा। तो जब फेफड़ों से रुधिर हीमोग्लोबिन फेफड़ों से बाहर निकलता है शुद्ध होकर के, ऑक्सीकृत होकर के, तो वह ऊतकों में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, दबाव ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, और गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। इस प्रकार वह ऊतकों में जाकर के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। नेक्स्ट है, ATP के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 7.6 किलो कैलोरी। नेक्स्ट दोस्तों, क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले एंजाइम में सर्वप्रथम होता है, तो इसमें होगा आपका साइट्रेट सिंथेस तेज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर जरूर करूंगी। एंड दोस्तों, अच्छे तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए, सिलेबस के अनुसार स्टेप बाय स्टेप तैयारी करने के लिए मेरे वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।